मेरा टॉपिक है क्लास टेंथ का ये एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप क्लास टेंथ के विद्यार्थी हैं और 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और विज्ञान विषय, ऐसे तो पांच सब्जेक्ट, छह सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है, तो विज्ञान सब्जेक्ट में विषय में आपको कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव पूछेगा और कैसे एग्ज़ाम आपको देना है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किन क्वेश्चनों का उत्तर कैसे देना है, या पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले आपको सिलेबस आज बताते हैं कि विज्ञान जो विषय होता है उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न आपको बनाने होंगे और कैसे लिखना होगा, ये पूरी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं जो है दो विषय की जानकारी दे चुका हूँ, मैथ का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और हिंदी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। इसके पहले जो है एग्ज़ाम में जाते हैं तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है और क्या ले जाना है, उस पर वीडियो पड़ चुका है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। फिर OMR शीट को कैसे भरा जाता है और वो कैसे कैसे आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या अगर आप नहीं छोड़ देंगे तो रिजल्ट आपका पेंडिंग हो जाएगा, इसका वीडियो मैं दे चुका हूँ, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सारी बातों को देख लीजिएगा और इसको भी देखिए। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं अगले विषय को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए आपको बताते हैं एक बात और। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस बिहार बोर्ड के लिए सिलेबस है, अदर बोर्ड के लिए नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो इस सिलेबस को देखिएगा और जस्ट ये आपका एग्ज़ाम जो है 2022 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो एग्ज़ाम आपका जो होगा उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्लास टेंथ का ये सब्जेक्ट है मेरा एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट विज्ञान है साइंस। सबसे पहले आपको हम बताएँ कि ये जो है एग्ज़ाम जो होंगे वो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 नंबर का होगा। ये विज्ञान जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन 100 नंबर का नहीं होगा बल्कि ये आपको 80 नंबर का होगा, पहले ये जान लीजिए 80 मार्क्स का होगा। आप कहिएगा 20 नंबर का होगा, तब 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपके बुक में आपके स्कूल में ले लिया जाएगा और आप कॉपी जमा भी कर दिए होंगे, तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका है। अब कितना विद्यालय से मिलेगा वो विद्यालय वाले जानते हैं, ठीक है। तो 80 नंबर का ही आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर में से 80 नंबर का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए 80 नंबर का तैयार करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये सवाल था कि कितने नंबर का पेपर आएगा, तो ये जान लिए कि 80 नंबर का इस पेपर आएगा, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा नंबर कि जो आप साइंस का पेपर देंगे तो साइंस में तीन पार्ट होता है, एक भौतिकी होता है, एक रसायन होता है, एक जीव होता है, जीव विज्ञान होता है। इन तीनों विषयों से आपके जो है एक ही पेपर में इन तीनों विषयों से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पहले आपको ये देखना होगा कि किस विषय में किस विषय का क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं, इसलिए इन तीनों को मिक्स करके देगा। इसलिए आपको पहले ध्यान देना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए इसको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये अलग अलग होता तो समझ में आता, ये सब मिक्स करके आता तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको काफ़ी ध्यान से तीनों विषयों को पढ़ लीजिएगा और तीनों का पेपर एक ही में होगा, जो आपको अलग अलग किताबों के माध्यम से पढ़ाया, भौतिकी का अलग, रसायन का अलग, जीव विज्ञान का अलग, अब पेपर एक ही होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तीनों का एक ही पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। ये चलिए ये कहानी ख़त्म हो गया। दूसरा है कि सवाल ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, तो आपसे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव जो है 80 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 का ही उत्तर देना है। 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 40 का ही आंसर देना है, बाकी का नहीं देना है। अब कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर हम 50 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, 80 बना सकते हैं, आप कोई को बनाइएगा आंसर आपको 40 ही का मिलेगा, इसलिए बेकार का समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 40 को ही बनाइएगा। चलिए 40 नंबर तो आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न, तो लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 20 ठो, जिसमें आपको 10 का ही उत्तर देना है, 2 नंबर का पूछेगा,
या एक नंबर का होगा, ये दो नंबर का होगा। तो 10 को का उत्तर देंगे तो 10 दुनी 20, 20 नंबर यहाँ का, 40 नंबर यहाँ का, 60 नंबर हो गया। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये 5 नंबर का पूछेगा, ये पूछेगा 8 गो, इसका उत्तर देना होगा 4 गो का, आधवा का उत्तर देना है। हाँ, कोई 8 गो में से कोई 4 गो बना दीजिएगा, ये कोई जरूर नहीं है कि लाइन से बनाइएगा, जो आपको आता है 4 गो गिन के बना दीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो 4 गो इसमें से आपको बना देना है, तो ये 4 × 5 = 20, 20 नंबर यहाँ का, तो 40 × 20 = 60, 80 नंबर का आपका आंसर हो गया। अब 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपके स्कूल में मिलेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम पैटर्न है, इसी एग्ज़ाम के पैटर्न से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठना है, और ये मुद्दा रखना है कि 80 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें 40 को ही बनाना है। ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा, पहले ही बता देते हैं कि अगर आप देंगे तो खतरा आप ही के साथ होगा, इसलिए खतरा वाला काम मत करिए। 80 को सवाल आएगा, 40 को ही बनाना है, दीर्घोत्तरी 20 को आएगा। अब कुछ लोग 20 बना देते हैं, अरे कहेंगे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, 10 का ही उत्तर मिलेगा, इसलिए 10 को बनाइए, 20 को बनाएंगे बेकार का फालतू का समय जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप 20 को 10 को बनाइएगा, ज़्यादा मत बनाइएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे, कोई 20 को में से कोई 10 को बना सकते हैं। दीर्घोत्तरी 8 को पूछेगा, 8 को में से कोई 4 को बना सकते हैं, आप 7 को नहीं बना सकते हैं, 6 को नहीं बना सकते हैं, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही का उत्तर दीजिए, अधिका दीजिएगा वो आपका जाएगा। इस तरह से वीडियो ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इस चैनल पर ऐसे ही जानकारी मैं हमेशा देते रहता हूँ, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो किसी तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न हो, मैं ज़रूर इस वीडियो चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। और इस चैनल पर सिर्फ मैथ का वीडियो मैं देता हूँ, हमेशा मैथ का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर मैथ को पूरा सीखना चाहते हैं, मैथ को एकदम पावरफुल बनना चाहते हैं, तो इस चैनल के लिए, इस चैनल पर आप बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, उसको देखिए, प्लेलिस्ट सब चीज़ का मिल जाएगा, तो देखिए और सीखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस।